दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कहना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और पूरा मान सम्मान है हमारे मन में, लेकिन जजमेंट जो है वो दिल्ली के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट देके एक सरकार चुनी। आज का जजमेंट ये कहता है कि उस चुनी हुई सरकार को ऑफिसर्स की ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई सरकार अपने ऑफिसर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो सरकार चलेगी कैसे? अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता, उसको हटा के हम दूसरा ऑफिसर नहीं लगा सकते, तो सरकार चलेगी कैसे? आज का जजमेंट ये कहता है कि जिस पार्टी की सरकार है, जिसको 70 में से 67 सीट मिली, उसके पास अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को 70 में से 3 सीट मिली, वो पार्टी अब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी दिल्ली की। दिल्ली के सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार विपक्षी पार्टी को है, जिसको केवल 3 सीट मिली। ये कैसा जनतंत्र है? संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर तो डेमोक्रेसी है ना, जनतंत्र है ना। जो सरकार चुन के आती है, जिसको जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया, अगर उस सरकार को काम करने की शक्तियां ही नहीं है तो फिर वो सरकार कैसे काम करेगी? कैसा जनतंत्र है ये, कैसा ऑर्डर है? और अगर वो सारी ताकतें शक्तियां विपक्षी पार्टी को दे दी जाएं, तो विपक्षी पार्टी तो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो सरकार चलने ही ना दे। अभी 4 साल से हम ये भुगत रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा के अंदर काम किया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के काम को रोकने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी को बदल के ऐसे अफसर को अपॉइंट कर दिया जाए जो कि अब मनीष सिसोदिया जी के काम करने की बजाय उनके हर काम को रोके, तो मनीष सिसोदिया जी स्कूल कैसे बनवाएंगे, स्कूल कैसे चलाएंगे? सतेंद्र जैन जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। अब ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी को अगर अपॉइंट कर दे विपक्षी पार्टी जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनने ना दे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां ना सप्लाई होने दे, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट ना होने दे, हेल्थ मिनिस्टर के फोन ना उठाए, तो फिर मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे? ये कैसा निर्णय है? ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसका, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वही तो करवा रहे हैं विपक्षी पार्टी, तो सारा गड़बड़ करवा रही है। और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि यह जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है, यह जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। अब इसका जो भी इसके लीगल उपाय हैं वो सब हम करेंगे, रिव्यू में जाने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है, वकीलों से बात करेंगे, लेकिन अब इसका समाधान एक ही है, इसकी चाबी एक ही है, वो दिल्ली की जनता के पास है। मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है। आपने हमें चुन के भेजा, 70 में से 67 दी, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। 4 साल के अंदर हम लोगों ने आपके लिए, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने, गोपाल राय जी ने, सतेंद्र जैन जी ने, हमारे अन्य मंत्रियों ने लड़ झगड़ के, लड़ लड़ के, रोज लड़ लड़ के काम करवाए हैं। फाइलें क्लियर करवाने के लिए एलजी से
अगर मनीष सिसोदिया जी को और सतेंद्र जैन जी को और अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, गोपाल राय को 10 दिन का अनशन करना पड़े, एलजी के घर में घुस के अगर हमें फाइलें क्लियर कराने के लिए 10 दिन का अनशन करना पड़े, ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी।